दोस्तों, भारत में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच आने वाले दिनों में वैक्सीन लेने की सोच रहे लोगों को अपनी जेब और ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि राज्यों को ये वैक्सीन 400 रुपए में मिलेगी। सीरम ने साथ ही कहा कि निजी अस्पताल इस वैक्सीन को 600 रुपए में खरीद सकेंगे, जबकि केंद्र सरकार के लिए दाम 150 रुपए ही तय रहेंगे। सीरम की ओर से ये बयान उस समय आया है जब भारत में टीकाकरण की रफ्तार और तेज करने की बात हो रही है। फिलहाल सरकारी केंद्रों पर कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जा रही है, जबकि निजी अस्पतालों में 250 रुपए लगते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने कीमतों को लेकर कहा है कि अभी भी विदेशी वैक्सीन के एक डोज के लिए 750 रुपए से 1500 रुपए के मुकाबले भारत में उसकी कीमतें काफी किफायती है। आपको बता दें कि टीकाकरण में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ ही दिन पहले ही नई नीति की घोषणा की थी। इसके तहत 18 साल से अधिक के सभी लोग 1 मई से कोरोना की वैक्सीन ले सकेंगे। सरकार की नई नीति के अनुसार 50% वैक्सीन केंद्र के लिए सुरक्षित रहेंगे, जबकि अगले 50% टीका को राज्यों और निजी अस्पतालों को दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही टीकाकरण अभियान में ढील देते हुए राज्यों, निजी अस्पतालों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सीधे टीका निर्माताओं से खुद खरीदने की अनुमति दी थी। साथ ही टीका उत्पादकों को राज्य सरकारों को और खुले बाजार में उपलब्ध होने वाली 50% आपूर्ति की कीमत 1 मई 2021 से पहले घोषित करने को भी कहा था। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक 45 साल से अधिक के 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इस बीच कई केंद्रों पर टीके की उपलब्धता में कमी की बात भी सामने आई थी। हालांकि सरकार ने हाल ही में टीके की आपूर्ति तेज करने और इसके निर्माण में तेजी लाने के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को एडवांस में कुल 4,500 करोड़ रुपए देने को मंजूरी भी दे दी है। इसके तहत इस IIT को अग्रिम के तौर पर 3,000 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को लगभग 1,500 करोड़ रुपए मिलेंगे। भारत में अभी इन 2 कंपनियों के टीके लगाए जा रहे हैं। वहीं रूस के कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भी मंजूरी दी जा चुकी है। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।